हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू, माई नेम इज बेनिश खान। सो इन टुडेज वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से ये मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ईजी है। और ऑल्सो आई लाइक टू मैंशन हेयर कि दिस इज़ आर रिक्वेस्टेड मेकअप लुक, जो कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी और उन्होंने कहा था मुझे सॉफ्ट आई मेकअप लुक चाहिए, तो विथ ग्लिटर। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मेकअप लुक मैंने अचीव की है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप लोग ये मेकअप लुक अचीव कर सकते हो, तो कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप अभी तक नहीं किया आप लोगों ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, फर्स्ट मैं अपने फेस को प्राइम कर लूँगी और उसके लिए आई एम गोना यूज मेबेलिन फिट मी मैट पोरलेस प्राइमर। ओके, दिस मेकअप लुक इज रिक्वेस्टेड। अगर आप लोगों की भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं अपनी आईज, क्योंकि ग्लिटरी मेकअप लुक है तो जो ग्लिटर होता है वो फॉल ऑफ होता है, तो उसकी वजह से आपकी बेस खराब हो सकती है। तो आप लोग जो हो पहले अपनी आईज कंप्लीट कर लो, देन फाउंडेशन अप्लाई करो। आईज को प्राइम करने के लिए मैं यूज करी मिस रोज का ये कंसीलर। ब्रश की मदद से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। मैं थोड़ा सा पाउडर की हेल्प से सेट कर लूंगी कंसीलर को। आई एम यूजिंग मिस रोज की 05 पैलेट और इसमें से आई एम गोना यूज दिस रोजी शेड और एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी आईज पे। ये ब्राउन आई शेडो को मैं अपने आउटर और इनर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी। इट्स बेसिकली हेलो आई लुक, तो आप लोगों ने इसी तरह से कलर को डिपॉजिट करना। ओके, देन मैं ले रही हूँ ब्राउन पेंसिल इस तरह की और इससे मैं अपनी लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। With small blending brush, I'm gonna blend it out. Okay, then मैं ले रही हूँ इस तरह का shimmer shade. इसको finger की मदद से मैं यहाँ center में apply करूँगी। देन अगेन मैं ब्राउन ले रही हूँ और जहां पर शेड आ गया वहां पर ब्राउन पेंसिल से इसको अगेन थोड़ा सा अप्लाई कर दूंगी। देन हम लोग स्मॉल ब्रश ले रहे हैं और इससे ब्लेंड कर देंगे इसको। ग्लिटर अप्लाई करने से पहले आपको ग्लिटर ग्लू अप्लाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं यूज़ करी हूँ ये कोई लोकल ब्रांड है लाइक
जो फेक मैक होता है उसी का मुझे उसने दिया था। तो इसको मैं अपने ब्रश पे अप्लाई करूँगी थोड़ा सा इस तरह से, देन अपनी आई लिड पे अप्लाई करूँगी। ग्लिटर, इसका कोई नाम नहीं है, सो इसको मैं थोड़ा सा अपने ब्रश पे लेकर देन आईलिड पे अप्लाई करूंगी। एंड अगेन मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इससे थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दूंगी। ये आईज कंप्लीट हो गई हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी अपनी आईज को, जो भी ग्लिटर फॉल आउट हुआ है। आज मेबलिन का ड्यूई स्मूथ फिनिश फाउंडेशन 2 pumps लिया मैंने, और इसको आई एम गोना ब्लेंड इट विद ब्रश। ओके, फाउंडेशन अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी फावामना का रेडिएंट कंसीलर, और शेड है मेरे पास 06 बेज। ओके गाइज, अगर आप लोगों की डार्क सर्कल्स हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर के, तो आप लोगों ने पहले उसको क्रैक कर लेना है, देन आप लोगों ने कंसीलर अप्लाई करना है। और क्रैक करने के लिए आप लोगों ने पीच कलर यूज़ करना है या ऑरेंजिश कलर। देन मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स का ब्लश ऑर्गेजम, तो 1 pump काफ़ी ज़्यादा ही निकला था। सो इसको हाथ पे इस तरह से लेके देन मैं अप्लाई करूंगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी पिगमेंटेड ब्लश ऑन। नाउ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ स्पंज। ओके, आई प्रेफर कि आप लोग जो हो वो खोल के देन थोड़ा सा यूज करो, क्योंकि इस तरह से अप्लाई करने से जाया हो जाता है काफी। क्योंकि पंप की मदद से जो है वो ज़्यादा निकल आता है, और देन इतना महंगा ब्लश ऑन ज़ाया हो जाता है। ओके, लूज पाउडर ले रही हूँ मैं, ब्यूटी फावामना का रेडिएंट पाउडर है ये, और इसे अपनी अंडर आइज को सेट करूँगी और पूरे फेस को सेट करूँगी। Okay, अब मैं ब्राउन पेंसिल ले रही हूँ और उसको अंडर आईज में स्मज करेंगे।
आईब्रोज फिल इन कर ली है मैंने. अब मैं अपनी मस्कारा अप्लाई करूंगी जो कि है मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा. इसको अप्लाई करूंगी और लैशेज अप्लाई करके अभी वापस आती हूँ. हाइलाइटर यूज करी हूँ जे ब्यूटी का इन शेड धमक. यूज करी हूँ ख्वाइस की लिपस्टिक इन शेड जनान. ओके, अब वो हेयर स्टाइल मैंने बाल जो है वो स्ट्रेट किए हुए हैं. सो अब जो है मैं यहाँ पर थोड़े से फ्लावर्स अटैच करूंगी. सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक. होप यू गाइस लाइक इट. होप जिनके लिए मैंने ये मेकअप लुक अचीव की है, रिक्वेस्टेड मेकअप लुक थी, होप आपको अच्छी लगी होगी. और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मेकअप लुक. थोड़ा सा ग्लिटर है और बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप है. अगर आप लोगों को और भी इस तरह की मेकअप लुक्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो या मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को किस तरह की मेकअप चाहिए और मैं उस तरह की कोशिश करूंगी मेकअप लुक अचीव करने की. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. होप यू गाइज लाइक इट. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, मेकअप लुक अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आपने लाइक करना नहीं भूलना, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. I'll see you in my next video. Till then, bye. Allah Hafiz.